महाशिवरात्रि पर मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं ने शिव संकट हरण मंदिर में किया जलाभिषेक। खबर हरदोई से आ रही है। हरदोई के थाना बेहटा गोकुल के अंतर्गत प्राचीन शिव संकट हरण मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। फागुन कृष्ण पक्ष महाशिव रात्रि पर हजारों भक्तों ने शिवलिंग पर जल दूध तथा प्रसाद चढ़ाकर अपने परिवार की खुशहाली की प्रार्थना की और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके लिए देर रात से ही मंदिर में भक्तों की कतारें लगनी शुरू हो गई थी। यही नहीं, भोले की भक्ति में श्रद्धालु रात भर सोए भी नहीं। देर रात पट खुलने ते ही बम बम भोले से शिवालय गूंज उठा। यहाँ शुक्रवार को देर शाम 8 बजे भक्तों का प्रवेश बंद कर दिया गया। देर रात 12 बजे से ही भक्तों की लंबी लाइन लग गई। इस दौरान मंदिरों में कदम कदम पर पुलिस का पहरा हो गया। सीसीटीवी कैमरों से भी मंदिरों की निगरानी की जाती रही। यही भक्तों के आने और जाने के लिए बैरिकेडिंग भी लगाए गए। शिवालय पहुंचे भक्तों ने भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए घंटों लाइन में लगकर इंतजार किया। शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद, गन्ने के रस आदि से भगवान का अभिषेक कर उनका श्रृंगार किया। महाशिवरात्रि पर मंदिर परिसर में विशाल मेला लगाया गया। प्रबंध कमेटी द्वारा महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। क्षेत्र के साथ दूर दराज से आए भक्तों व श्रद्धालुओं सहित जलाभिषेक कर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। ऐसी धार्मिक मान्यता के इस दिन शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करने से भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। बेलपत्र चढ़ाने से शिव जी का मस्तिष्क शीतल रहता है और वे भक्त की दरिद्रता दूर करते हैं। इस मौके पर थाना प्रभारी रंधा सिंह, SI राजकुमार तिवारी, हरिशंकर वर्मा और वीरेंद्र गौतम आदि पुलिसकर्मी मौजूद।